औरंगाबाद की राजनीति में पहला कोण ओवैसी का है। यहाँ 2019 में इम्तियाज जलील ने भगवा लहर के ऊपर से पहली बार ओवैसी की पतंग उड़ा दी थी। इस बार भी पतंग उड़ाने की तैयारी में। समर्थक नाच रहे हैं, गा रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं। इम्तियाज जलील बता रहे हैं उनके सामने दोनों विरोधी नजर नहीं आ रहे। इम्तियाज जलील नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। ये जो हुजूम है नॉमिनेशन फाइल करते वक्त, ये वोट में भी तब्दील होने वाली है। देखिए, कोई भी आदमी इसमें से कोई पैसा देकर तो लाया नहीं गया है। ये अपनी हंसी खुशी से आए हैं और इन्होंने दृढ़ निश्चय करके आए हैं कि इस बार भी औरंगाबाद से इम्तियाज जलील को जिताना है करके। तो आप देखिएगा, अलग अलग रंग यहाँ पर नजर आ रहे हैं आपको। हरे के साथ भगवा भी नजर आ रहा है, भगवे के साथ नीला भी नजर आ रहा है, पीला भी नजर आ रहा है। तो ये इस बात की गवाही देता है कि लोग जब आपके काम को पसंद करते हैं तो खुद ब खुद घरों से निकल के आते हैं और आपको यहाँ पे जिताने का एक ये दे देते हैं। आपकी नज़र जहाँ तक दौड़ सकती है आप दौड़ा लीजिएगा कि आगे और पीछे आपको समझ में नहीं आएगा कि शुरुआत कहाँ से हो रही है और खत्म कहाँ पे हो रही है। वैसे इनकी सियासत की गाड़ी मुस्लिम वोट से चार्ज होती है, आवाज मुसलमानों की उठाते हैं, पर अब जुबान बदली हुई है। कह रहे हैं जाति धर्म तो वो करते नहीं है, औरंगाबाद के असली खिलाड़ी वही है। तो मुबारकबाद मिल रही है अभी से आपको, लेकिन पहले जो चुनाव यहाँ लड़ा जाता था खान या बान पे, वो दिख रहा है क्या इस बार कुछ? मैं इसीलिए आपको ये कह रहा हूँ कि आज ये जो रंग नजर आ रहे हैं, सभी जाति धर्म के लोग यहाँ पर नजर आ रहे, तो उन्हें भी एक तब्दीली चाहिए, एक बदलाव चाहिए। वो भी कह रहे हैं कि हम कब तक जात और धर्म के नाम के ऊपर जो काम करेगा हम उसका साथ देंगे। मैंने 5 साल काम किया तो उन्होंने कहा कि तुम 5 साल हमारे लिए दौड़े, आज हम तुम्हारे लिए धूप में निकलेंगे और तुम्हें जिताने के लिए है, तो हम वचनबद्ध हो जाएंगे। औरंगाबाद की सियासत में दूसरा सबसे बड़ा एंगल मोदी और शिंदे का है, जो जोर जोर से बाला साहब ठाकरे मराठा सियासत भगवा लीगेसी को ओन करता है, जिसके पीछे मोदी का पूरा बैकअप है। यह एंगल औरंगाबाद को छत्रपति संभाजी नगर नाम बोलने पर गर्व करता है और दावा करता है कि औरंगाबाद का वोटर सनातन और मोदी के काम पर ही वोट करता है। इसीलिए वो कहता है न यहाँ पतंग उड़ेगी न मशाल जलेगी, इस बार कमल के साथ तीर ही निशाने पर लगेगा। संदीपान भूमरे साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। कहा जा रहा है कि दोनों की लड़ाई में, आने आपके और आपके पुराने साथी चंद्रकांत खैरे साहब की लड़ाई में, इम्तियाज जलील फिर से जीत सकते हैं यहाँ से। मैं क्या बोलता, तुमने जो कहा कि वह पुराने जोड़ीदार चंद्रकांत जी खैरे, उनकी हमारी लड़ाई नहीं है, और इम्तियाज साहब जो है उनकी हमारी भी लड़ाई नहीं है। हम 2 लाख के आगे चुन के आने वाले, इसलिए उनकी हमारी लड़ाई नहीं है। क्या क्या मुद्दे रख रहे हैं आप? भाषण दे रहे तो बार बार प्रधानमंत्री का जिक्र कर रहे थे आप। प्रधानमंत्री ने जो जो काम किए 10 साल में, वो हम सबको जो उन्होंने काम किए वो सबको बता रहे हैं। औरंगाबाद की राजनीति का तीसरा कोना उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, शरद पवार की तिकड़ी बना रही है। 4 बार जीत चुके औरंगाबाद को अपना किला बता रही है, और शायद इसीलिए औरंगाबाद का चुनाव उद्धव की साख से जुड़ा है। दावा है कि उद्धव की सेना ही असल में बाला साहेब, मराठा और सनातन के साथ खड़ा है। नारे तो वही हैं, लेकिन उद्धव सेना की सोच नहीं है। मामला इस बार कुछ अलग है, इनकी सोच में सेकुलर का मिक्स कलर है।